मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए, 1000 गुना। हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है कि 1 मिलके 1000 को भगाएगा और 2 मिलके 10000 को भगाएगा। तो आज आपको कितने लोगों को भगाना है? आज हमें शैतान को अपनी लाइफ से भगाना है। अगर आपका पति आपसे झगड़ रहा है तो आपको शैतान को भगाना है, अपने पति को नहीं भगाना है, अपने पति को तलाक नहीं देना है। आपकी पत्नी आपको सता रही है तो आपकी पत्नी को आपको तलाक नहीं देना है, शैतान को भगाना है। कैसे? वचन से। वचन से शैतान डरता है, प्रार्थना से नहीं डरता है, संगति से नहीं डरता है, लेकिन शैतान काई से डरता है। काई से डरता है? शैतान वचन से। यीशु मसीह जब 40 दिन फास्टिंग में था, क्या बोला था शैतान ने? रोटी बन जा। परमेश्वर ने क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा। आज हम जीवित किससे? आज हम वचन से जीवित है। हालेलुया। तो आज हमें किससे? शैतान को अपने घर से, अपने इलाके से, अपने, अगर आपके आस पड़ोस लोग आपसे झगड़ा कर रहे हैं छोटी छोटी बातों में, तो आपको उससे झगड़ा नहीं करना है। आपको शत्रु को भगाना है। आप 1 मिलके 1000 को भगाएंगे। आपके शत्रु कितने भी क्यों न हो, आपके आस पड़ोस में कितने भी शत्रु क्यों न हो, लेकिन आप किसको भगाएंगे? हालेलुया। शैतान को आज अपनी लाइफ से, अपने जीवन में, आपके विचारों में शैतान काम कर रहा है, आपको भगाना है। हे शत्रु, सुन ले, मेरे विचार साफ है, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आज तारीफ करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यदि अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं कराया, आप फेसबुक पे जाइए शेयर करिए, आप व्हाट्सएप पे जाइए शेयर करिए, इंस्टाग्राम में शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमें एक काम दिया है, आज परमेश्वर ने हमें एक काम दिया है, वो क्या है? सुसमाचार को फैलाना, सुसमाचार को फैलाना। सोचिए कितनी अच्छी बात होती जब एक नई जोड़ी की शादी होती, तो वो अपनी पोस्ट कितनी डालता है, हर एक ग्रुप में डालेगा। हालेलुया। तो सोचिए, परमेश्वर हमारा धुला है, हमें उसके वचन को कहाँ कहाँ तक फैलाना है ताकि एक आत्मा बच जाए नष्ट होने से। शायद किसी को कैंसर होगा, शायद कोई दुर्बलता में होगा, शायद कोई कमजोरी में होगा, शायद कोई समस्या में होगा, शायद कोई जादू टोना में तंत्र में नष्ट होएगा, शायद किसी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया होगा, शायद किसी ने अपने पति को छोड़ दिया होगा, शायद लोग बीमारी में होंगे, शायद लोग कर्जे में होंगे, लेकिन अगर आप उनको सुसमाचार भेजेंगे, आप शायद किसी को भी रोज लगातार रिस्पांस नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन वचन सुनेंगे वो कभी ना कभी, तो एक आत्मा नष्ट होने से बच जाएगी, एक आत्मा नर्क जाने से बच जाएगी। आप चाहते हो कि हमारे देश के लोग, जिस जगह हम रहते, वो लोग नष्ट हो जाए, वो लोग बंधन में, वो लोग गुलामी में? नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता हम गुलामी में रहे, कोई भी नहीं चाहता हम बोझ में रहे, लेकिन हमें क्या करना है? आज हमें परमेश्वर के वचन को, हमें ये नहीं सोचना है ये हमारा परमेश्वर का वचन है, ये हमारे डैडी का वचन है, ये हमारे राजा का वचन है, ये हमारे प्रभु के प्रभु का, वो प्यार करने के वाला का वचन है। देखो परमेश्वर ने वचन कैसे फैलाया, ये बाइबल हम सबके पास है, आपके पास ही बाइबल है, हमारे पास ही बाइबल है, इस बाइबल को भी हमें फैलाना है, इस वचन को भी हमें फैलाना है, इस प्रकाशन को भी, हर एक वर्शिप को भी हमें फैलाना है। आज परमेश्वर ने आपको काम दिया है, वो काम क्या है? वो होमवर्क क्या है? आज हमारा होमवर्क है कि हमें सुसमाचार जगत के अंत तक, जगत के छोर तक फैलाना है, चाहे कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि आज आप विश्वास करेंगे तो आप आपका घराना उद्धार पाएगा, आप और आपका परिवार उद्धार पाएगा। याद है, आप विश्वास करेंगे, आपके पड़ोस वाले उद्धार पाएंगे, आपके अच्छे नेचर को देखिए, आपके अच्छे प्रगतिकरण को देखिए। शायद लोगों को उधर पार्लर नहीं चल रहा है, लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन वो बोलेंगे तुम्हारा बिजनेस क्यों चल रहा है, तुम्हारा पार्लर क्यों चल रहा है, तुम इतनी बढ़ोतरी क्यों पा रहे हो, हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप बोलेंगे मैं परमेश्वर विश्वास करती हूँ, मैं परमेश्वर के वचन पे चलती हूँ, परमेश्वर ने मेरे पार्लर को बढ़ाया, परमेश्वर ने मेरे बिजनेस को बढ़ाया। तब वो लोग मसीह में आएंगे, वो लोग मसीह में जिंगे। हम भी परमेश्वर को जानना चाहते हैं, हम भी वचन को सुनना चाहते हैं, हम भी प्रार्थना करना चाहते हैं। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को वचन सुनाना है, वचन को फैलाना है। सुसमाचार सुनाने के लिए भूख होना चाहिए, सुसमाचार सुनाने के लिए प्यास होना चाहिए। आपको सोचना नहीं है कब क्यों कैसा होगा, परमेश्वर कब किसके ऊपर प्रकटीकरण करे, परमेश्वर कब किसको खींच लेगा परमेश्वर की। हालेलुया। अगर वहां पे स्वर्ग में एक व्यक्ति आनंद करता जाएगा तो आपके लिए ताली बजेगी, आपके लिए डीजे बजेंगे। हालेलुया। आप चाहते हो आपके लिए डीजे बजे, आपके लिए परमेश्वर तारीफ करे। आपने अय्यूब के विषय में सुना है, परमेश्वर ने इसकी तारीफ करी थी, अय्यूब के जैसा खरा व्यक्ति कोई नहीं था, तो परमेश्वर आपकी तारीफ करेगा। इस व्यक्ति ने, इस मनुष्य ने एक व्यक्ति को नष्ट होने से बचा लिया और वो स्वर्ग पहुंच गया, स्वर्ग में डीजे बजे, स्वर्ग में ढोल बजे। हालेलुया। और बोलेंगे इस व्यक्ति जैसा व्यक्ति कोई नहीं है,
इसने इसको सुसमाचार सुनाया, इसने इसे नष्ट होने से बचा था, इसने इसे व्यभिचार में से बचा दिया, इसमें से गलत संगति से मिला, इसने ड्रिंक से, गांजा से, चरस से, हर एक बुरी संगति से, हर एक बुरे लोगों से, हर एक बुरे विचारों से बचा दिया। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले मैं बोलूँगी, अगर अभी तक आपने शेयर नहीं करा, आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। हालेलुया। हम निकालेंगे मत्ती 6। आप लोगों के पास बाइबल है, अगर आप बाइबल सामने रखते हुए वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर को ब्लेस करेगा। आपके जो आंसर है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है प्रेयर, वो तुरंत आएगी। हालेलुया। हालेलुया। जब आप स्कूल में जाते हो तो अगर आप कॉपी नहीं रखोगे क्वेश्चन की, तो आप कैसे आंसर लिखोगे? क्वेश्चन रखते हो, मैडम आंसर लिखती है, आप पहले क्वेश्चन उतारते हो फिर आंसर। तो मैं वही बोल रही हूँ, आपको बाइबल सामने रखना है ताकि आपको आपके प्रेयर रिक्वेस्ट का आंसर तुरंत मिल जाए। आप बाइबल नहीं खोलोगे, आप वचन नहीं खोलोगे, तो आपको तुरंत उत्तर नहीं मिलेगा। आज आपको फास्ट उत्तर मिलेगा। हालेलुया। आज आप कैसी भी कंडीशन क्यों नहीं हो, कैसी भी समस्या क्यों नहीं हो, आप खाली आता है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ आज परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की प्रेजेंस से आप भरे हुए जाएंगे। आज आप दुख में आए, टेंशनों में आए, तकलीफों में आए, बीमारी में आए, समस्या में आए, लेकिन आप चंगे होते हुए जाएंगे। आप निराशा में आए, लेकिन आनंद को लेते हुए जाएंगे। हालेलुया। आज आप बीमारी में आए तो आप क्या लेते हुए जाएंगे? चंगाई को लेके जाएंगे। आप गरीबी में आए तो आप फाइनेंस को लेते हुए जाएंगे। हालेलुया। आज आप अकेले देख रहे हैं, अगले ही हफ्ते आप पति पत्नी साथ देखेंगे, और उसके अगले आप पूरी फैमिली साथ देखेगी। आज आप खाली है, लेकिन आने वाले दिनों में आप भरे हुए रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। निकाल लीजिए सारे लोग मत्ती 6 उसका 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हमें क्या करना है आज? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना है। किसके? उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज करना है। हालेलुया। इसलिए पहले तुम, परमेश्वर ने ये नहीं बोला बाद में, लेकिन परमेश्वर ने बोला इसलिए पहले करना है। हालेलुया। सुबह उठने, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। आज हमें प्रार्थना करना है, आज हमें वचन पढ़ना है, आज हमें संगति करना है। किस लिए? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की, किसकी खोज करना है? परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। हालेलुया। 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 आज हमें परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करना है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा जो फर्स्ट है वो है राज्य। हालेलुया। किंगडम, किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। उसके राज्य की हमको खोज करना है। आज हमें परमेश्वर के राज्य की, आपको सारी वस्तु मिल जाएगी, आपको सारी आशीष मिल जाएगी, आपको सारी ब्लेसिंग मिल जाएगी, जो जो आपको चाहिए वह सारी वस्तु मिल जाएगी। लेकिन इसके पहले परमेश्वर ने हमें एक होमवर्क दिया है, परमेश्वर ने हमें एक असाइनमेंट दिया है, वह असाइनमेंट को हमको पूरा करना है। अगर हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे तो हमें बाकी सारी अच्छी अच्छी वस्तु। हालेलुया। हमें परमेश्वर 10 रुपीस नहीं देगा, हमें परमेश्वर 20 रुपीस नहीं देगा, लेकिन हमें परमेश्वर लाखों रुपए देगा। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं। आज जितने लोग परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं, आपने फेसबुक में उनके रिजल्टों को देखा है, उनकी गवाहियों को देखा है, उनकी टेस्टमनी को देखा है। आज हमें किसकी खोज करना है? आज हमें किसी मनुष्य की खोज नहीं करना है, आज हमें किसी व्यक्ति की खोज नहीं करना है, आज हमें किसी बिजनेसमैन व्यक्ति की खोज नहीं करना है, लेकिन आज हमें किसकी खोज करना है? आज हमें परमेश्वर की खोज करना है। हालेलुया। हालेलुया। साम्राज्य की खोज करना है, स्वर्ग का राज्य की खोज करना है। हालेलुया। पढ़िएगा वापस से। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की, आज हमें किसकी खोज करना है? सुबह उठते से आपको क्या करना है? वचन पढ़ना है। क्या कर रहे हो आप? परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। दोपहर में क्या कर रहे हो आप? वचन पढ़ रहे हो, परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे। रात में आप क्या कर रहे? परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे है। सुबह उठ के वापस क्या करें? आपको हर दिन परमेश्वर के राजाओं के राजा के प्रभुओं के प्रभु की खोज करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है हर दिन। ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। हर दिन हमें सुबह उठे परमेश्वर के राज्य की खोज करें, दूसरे दिन परमेश्वर के राज्य की खोज करें कि परमेश्वर की जीवन शैली क्या थी, परमेश्वर कैसा व्यक्ति था, परमेश्वर कैरेक्टर कैसा था। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा था, 12 साल का था परमेश्वर, जब वो क्या था? वचन सुनता था सिर्फ। हालेलुया। आज शायद आप वचन सुनते होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आप प्रचार करेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। आने वाले दिनों में आप क्या करोगे? आप प्रचार करोगे, आप बहनों को सिखाओगे। आपको खोज करना है, आपको पूछना है कि परमेश्वर कैसा व्यक्ति था, वो कैसा बड़ा था, वो कैसे चमत्कार हुए उसके लाइफ में। यीशु, हाँ यीशु को हम उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, तो हमको यीशु मसीह की जीवन शैली को पढ़ना है। वो 12 वर्ष का था, सिर्फ वो प्रचार सुनता था। 30 वर्ष का हुआ, उसने 32वां लिया, फिर उसने प्रचार करना। पहले वो क्या कर रहा था? वो खोज कर रहा था परमेश्वर की, फिर उसने उसके राज्य को देखा, फिर सुसमाचार प्रचार करा। उसके पहले सुसमाचार प्रचार के लिए उससे पहले उसने मन फिराया, 32वां लिया। आज हमें परमेश्वर के राज्य के लिए, आज हमारे अंदर अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना चाहते तो आज आपके अंदर भूख होना चाहिए, आज आपके अंदर प्यास होना चाहिए। ये पानी के अंदर, जैसे मुझे प्यास लगी तो मैंने भी पानी पी लिया, वैसे ही आपको राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के काम करने के लिए आपको प्रार्थना के लिए भूख होना चाहिए, आपको प्रार्थना के लिए प्यास होना चाहिए, आपको संगति के लिए प्यास होना चाहिए, आपको बात करने के लिए बहनों से, जो विश्वासी बहनें हैं उनसे सीखने के लिए प्यास होना चाहिए। हालेलुया। आज कोई भी हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्या हमारे घर के काम हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकते? क्या कोई खाना पीना हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? क्या कोई झगड़े हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता? क्या कोई लड़ाई हमको परमेश्वर के वचन से अलग कर सकता? कोई नहीं। अगर हम शारीरिक फूड लेते हैं तो जब हमारे घर में झगड़े थे तो हम शारीरिक फूड ले लेते, हम नहीं बोलते कि आज हमारा घर में झगड़ा हो गया तो हमने खाना नहीं खाया। तो वैसे आज हमारे घर में कितने भी झगड़े क्यों नहीं हो, कितनी भी लड़ाई क्यों नहीं है, लेकिन हमें आत्मिक फूड लेना नहीं भूलना है, परमेश्वर के राज्य को नहीं भूलना है, परमेश्वर की गवाहियों को नहीं भूलना है, परमेश्वर की टेस्टमनी को नहीं भूलना है, परमेश्वर ने आपकी लाइफ में क्या क्या काम करे आपको नहीं भूलना है। आपको सारी वस्तु मिलेगी। परमेश्वर ने आपके लिए छोटे घर नहीं रखे, परमेश्वर ने अपने लिए छोटी गाड़ी नहीं रखी है, छोटी सोच मनुष्य की है, लेकिन परमेश्वर हमेशा बढ़कर सोचता है। आज शायद आप 1 BHK का ढूंढ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर शायद आपको 2 BHK देना चाह रहा होगा। आप 2 BHK ढूंढ रहे, 2 BHK का घर ढूंढ रहे, परमेश्वर आपको 3 BHK का ढूंढ देगा। आप 3 BHK का ढूंढेंगे, परमेश्वर आपको 4 BHK, क्योंकि मनुष्य की सोच और परमेश्वर की सोच डिफरेंट है। पर मनुष्य की सोच छोटी होती है, लेकिन परमेश्वर की जो सोच है वो कैसी होती है? वो बढ़कर होती है, वो हाइल होती है, क्योंकि परमेश्वर का जो लेवल है वो किसी मनुष्य के लेवल से मैच नहीं करता। उसका लेवल बहुत ऊपर है, वो बढ़कर सोचता है, वो बेस्ट सोचता है। हालेलुया। हमें पहले परमेश्वर ने क्या होमवर्क दिया? हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, स्वर्ग के राज्य की खोज करना है। 1 कुरिन्थियों 4:20 में क्या लिखा है? हालेलुया। 1 कुरिन्थियों निकालेंगे, उसके 4:20 में क्या लिखा है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं। आज परमेश्वर के राज्य बातों में नहीं कि हम वचन पढ़ते, हम प्रार्थना करते, हम बोल तो रहे लेकिन हम कर नहीं रहे। हम बोल तो रहे, सामर्थ्य के काम नहीं हो रहे, चमत्कार नहीं हो रहे। हम वचन बोल रहे, हम वचन पढ़ते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। परमेश्वर बातों में विश्वास नहीं करता है, परमेश्वर काम में विश्वास करता है। जब आप जॉब पे जाते हो तो आपका बॉस आपको जो भी फाइल में देता है तो आप बोलेंगे हाँ हो जाएगा, वो बोलेगा हो जाएगा नहीं, मुझे काम चाहिए। परमेश्वर की आज आपसे काम चाहिए, परमेश्वर काम चाहता है। एक घर बनाने वाला व्यक्ति जो घर बनाता है वो बोलेगा सारा काम हो जाएगा, नहीं, बातों से नहीं होता है, काम से होता है, काम प्रकट करना है। यीशु मसीह ने बोला दुष्टात्मा निकल जा, तो बोला और करके भी दिखाया निकल जाए। यीशु मसीह ने बोला अंधे की आँख खुल जा, का बोला और करके भी दिखा। यीशु मसीह ने कहीं ऐसा बोला और काम नहीं हुआ? हुआ है, उसने बोला और करके भी दिखाया। आज अगर हम बोलते हैं हमारे अंदर परमेश्वर के लिए भूख है, आज अगर हम बोलते हैं परमेश्वर के लिए प्यास है, आज हमें परमेश्वर में बढ़ना है, तो हमें बोलना नहीं, हमें करके भी दिखाना है। हालेलुया। हाँ पढ़िए भाई। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं। आज परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैं बहुत विश्वास करती हूँ, मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहती हूँ और हम ऐसा कर नहीं रहे। परमेश्वर का राज्य बातों में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता हम काम करें। अगर हम बोल रहे हैं कि मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना है तो हमें करना है। अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे सुबह उठ के प्रार्थना करना है तो हमें करना है। अगर हम बोल रहे हैं सुबह उठ के वचन पढ़ना है तो हमें पढ़ना है। अगर हम बोल रहे हैं हमें संगति करना है तो हमें करना है। अगर हम बोल रहे हैं कि लाइफ में आके हम वचन को देखेंगे, वचन में सुनेंगे, हम बीज बोएंगे, हम ये करेंगे, तो हमें वो करना है। परमेश्वर काम पर विश्वास करता है, बातों में नहीं। हालेलुया। आज हमें बात नहीं बोलना है। मैं बोलूंगी बात कम करें लेकिन काम ज्यादा करें। आपका मैनेजर वो बोलता है बात मत करो, काम करो।
हालेलुया, आज हमें बात नहीं करना है, ज़्यादा बात नहीं करना है, हमें कम बात करना है। और हमें क्या करना है, हमें अगर हम बोल रहे हैं कि हम 2 घंटा वचन पढ़ेंगे, उनमें से हमने 1 घंटा वचन पढ़ा और 1 घंटा बात करी, हमें बातों में नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। परमेश्वर बातों में विश्वास नहीं करता है, परमेश्वर काम पर विश्वास करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद क्या किया था, काम किया, प्रगटीकरण करा, चमत्कार कर, अंधों की आंखें खोली, बहरों के कान खुले, दुष्टात्मा निकाली, कैंसर को हील किया, मिर्गी वाले को चंगा करा, अंधे की आंख खोली। हालेलुया, बुखार था किसी का, बुखार को चंगा करा, उसने बोला और उसने चंगा भी करा। हालेलुया, आज हम जो बोलते हैं वो हमें करना है। हाँ हम करेंगे, हम करते नहीं है। परमेश्वर के राज्य बातों में नहीं। हाँ पढ़िए आगे, परंतु सामर्थ में है, पूरा पढ़ना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। परमेश्वर का राज्य काई में है, बातों में नहीं, सामर्थ में। अब सामर्थ में वो कैसे आएगा, जब आप वचन पढ़ेंगे तो सामर्थ आएगी, जब प्रार्थना करेंगे तब सामर्थ आएगी, जब भाई भाई आपस में बैठेंगे, जब बहन बहन आपस में बैठेंगे, जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे तो सामर्थ आएगी, परमेश्वर हाजिर होएगा, परमेश्वर उपस्थित होएगा। हालेलुया, तब सामर्थ आएगी। सामर्थ कैसे आएगी, आधे घंटे प्रार्थना करने से सामर्थ नहीं आएगी, 1 घंटा प्रार्थना करने से सामर्थ नहीं आएगी, लेकिन वचन पे चलने से सामर्थ आएगी, वचन पे चलने से अभिषेक आएगा, वचन में चलने से परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लेकिन सामर्थ में है। आज हमें परमेश्वर के राज्य की बोलना भी है और हमें काम भी करना है। मैं ये नहीं बोलती आप बोलो मत, आप जो बोल रहे हैं आपको करना है। परमेश्वर की बात, जो भी आप बोल रहे हो, आपकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए, आपकी बात नो नो होना चाहिए। नहीं तो मतलब नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बोल रहे कि मैं ये करूंगा तो आपको करना है, आपको सिर्फ टाइम के अनुसार करना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में। स्वर्ग का राज्य काई में, बातों में नहीं है परंतु सामर्थ में। मत्ती 4:17 निकालिएगा, मत्ती 4:17 में क्या लिखा है। हालेलुया, शंदरी खा ले लिया वाला बराबर। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज आपको क्या बोलना है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, आपको मन फिराने के बारे में लोगों को सिखाना है। हालेलुया। बोला, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। आप जब परमेश्वर के राज्य की खोज करने निकलोगे तो सबसे पहले सारे व्यक्ति लोग आपको किस विषय में सिखाएंगे, मन फिराओ के बारे में सिखाओगे। परमेश्वर के राज्य निकट आ गया है, जल्द आने वाला है यीशु मसीह, वो आपको इसके बारे में सिखाएंगे। हालेलुया, आपको क्या करना है, खोजबीन करना है, परमेश्वर कब आने वाला, मन फिराव का मतलब क्या है। मन फिराव का मतलब रिपेंडेंस है, मन फिराव का मतलब पश्चाताप है, अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर निकट आए, परमेश्वर के समीप आए, अपने पुराने मनुष्य को छोड़कर, अपने पुराने नेचर को छोड़कर, अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर किसके पास आना है, परमेश्वर के निकट आना है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं तो हमें बाकी सारी वस्तु मिलती है, हमें बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाती है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो भी परीक्षा आप परमेश्वर के लिए करते हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर हर एक परीक्षा, जो भी आप परमेश्वर के लिए करते हो, जो भी आप सहते हो, उसका बदला परमेश्वर आपको जरूर देता है, उसका रिवार्ड परमेश्वर आपको जरूर देता है, उसका गिफ्ट परमेश्वर आपको ज़रूर देता है। हालेलुया, चाहे कैसे भी अपने घर में दुख उठा रहे हो और आप परमेश्वर के राज्य का काम कर रहे हो, परमेश्वर आपको उसके लिए भी गिफ्ट देगा, उसके लिए भी रिवॉर्ड देगा। सिर्फ टेंशन में हो फिर भी आप परमेश्वर काम कर रहे हो, परमेश्वर उसका गिफ्ट आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर में किया गया परीक्षण कभी व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर में किया गया परीक्षण कैसा, आपने वचन पढ़ा, आपने प्रार्थना करी, और परमेश्वर में की गई मेहनत भी व्यर्थ। आप बहनों को सिखा रही, आप मेहनत करी, आप भाइयों को सिखा रही, आप मेहनत करी, वो क्या व्यर्थ नहीं जाएगी। आप लोगों को मन फिराओ के बारे में सिखाएंगे, क्या होएगा, मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर देख रहा है कि आप मेरे राज्य को बढ़ा रही है, आप मेरे काम को बढ़ा रही है। हालेलुया, आप एक बहन ने आपको सिखाया, एक भाई ने आपको सिखाया,
एक बहन ने आपको, उस बहन ने दूसरी बहन को सिखाया, फिर उस बहन ने, ऐसे क्या हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा, आप एक दूसरे को सिखाती जा रही है। तो आप क्या करिए, आप मेहनत कर रही है, क्या करिए, आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रही है, परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रही है। आज हमें क्या करना है, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना है, परमेश्वर के राज्य को फैलाना है। यहाँ के पहले तुम परमेश्वर के, यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, आज हमें किसकी खोज करना है, सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, परमेश्वर के राज्य क्या है। हालेलुया। मत्ती 5 उसका 3 निकालना, चंद्रिक खा ले लिया बोला बोला बोला। धन्य है वे जो मन के दीन है, मन के शुद्ध है, मन के साफ है, उनके अंदर कोई गंदगी नहीं है। हाँ आगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज हमारा ही है, जो मन के दीन है, जो शुद्ध है, जो साफ है, जिनके मन में कोई गंदगी नहीं है, वो क्या है, स्वर्ग का राज किसका है, हमारा है। हमारा पिता हमारे लिए स्वर्ग का राज्य छोड़ के गया है, स्वर्ग का राज निकट है और वो हमारा है। किन का है, लेकिन जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन साफ है, जिनके मन गंदे नहीं है। हालेलुया। जब कोई बहन आपके लिए प्रार्थना करती, जब बहन वचन प्रचार करती, तब आपके मन में ये गंदगी नहीं चलती, परमेश्वर इसको यूज़ कर रहा है लेकिन मुझे क्यों नहीं कर रहा है। आप शुद्ध मन नहीं हो, आपके अंदर जेलेसी आ रही उस बहन के लिए, उस भाई के लिए, उस बच्चे के लिए। उसने प्रार्थना कर दी तो वो भाई चंगा हो गया, आपने प्रार्थना करी तो नहीं हुआ। परमेश्वर का ये गिफ्ट है कि परमेश्वर उसके द्वारा चंगाई दे। आपके मन में मन गंदे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा, धन्य वे मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज होने का। जो मन के दीन होंगे, स्वर्ग का राज किसका है, उन्हीं का है। अगर हमारा है, बोलिए मैं मन के दीन हूँ, मैं मन का शुद्ध हूँ, मैं साफ हूँ, स्वर्ग का राज मेरा है। धन्यवाद, आप ऐसा ही बोल सकते, धन्यवाद तू मुझे शुद्ध मन देने जा रहा है। ऐसा अगर आज से आपका शुद्ध मन नहीं है, आप बोल सकते धन्यवाद तू मुझे शुद्ध मन देने जा रहा है। धन्य है वे, पढ़िए, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। कितनी अच्छी बात लिख रहा है, धन्य है वे मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज शुद्ध है, आज साफ है, गंदगी नहीं है। और साफ गंदगी कब आएगी, जब हम वचन नहीं पढ़ेंगे, जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे। लेकिन हम वचन पढ़ते हैं तो हम मन के दीन होते हैं, हम साफ होते हैं, क्योंकि वचन हमें आजाद करता है हर एक गंदगी से, हर एक श्राप से, हर एक बंधन से, हर एक गंदी बातों से, हर एक गलत बातों से, हर एक मुंह की नेगेटिव बातों से, हर एक श्राप से। तो हम क्या होते, मन के दीन होते, मन के साफ होते। और हम यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। स्वर्ग का राज हमारा है जो मन के दीन हो, मन के साफ है। हालेलुया। परमेश्वर का यहाँ पे क्या लिखा है, राज्य निकट है, जल्द आने वाला है परमेश्वर। और यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए पहले तो परमेश्वर के राज्य की खोज करो। आज हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। पहले लोगों को मन फिराव के बारे में समझाना है, पश्चाताप के बारे में समझाना है। उससे पहले क्या होना चाहिए, सिखाने से पहले हमारे अंदर भूख होना चाहिए, हमारे अंदर प्यास होना चाहिए। जब आपको ज़्यादा भूख लगती है, किसी की डाइट 3 रोटी की होती, किसी की डाइट 4 रोटी की होती, तो आपको ज़्यादा भूख लगती तो आप क्या होती, 6 रोटी खा लोगे, 7 रोटी खा लोगे। तब आपको परमेश्वर के लिए ज़्यादा भूख है तो आप ज़्यादा बहनों को सिखाओगे, आप ज़्यादा पवित्र आत्मा से भरोगे, आप ज़्यादा होली स्पिरिट से भरोगे, आप ज़्यादा वचन पढ़ोगे, आप ज़्यादा प्रार्थना करोगे। आपको खाने का सुध नहीं, आपको घर के काम का सुध नहीं, क्योंकि आपके अंदर कौन सी भूख जाग हुई थी, प्रार्थना की भूख, वचन की भूख। हालेलुया। जब आपको लग रहा था मुझे एक बहन को सिखाना, आज मैंने बहन को इतना टाइम दिया, मैं 2 घंटा इस बहन को सिखाऊंगी, 4-5, लेकिन आपके अंदर ज़्यादा भूख थी, आपने 2 घंटे के अंदर 6-7 बहनों को सिखा दिया, तो आपके अंदर कितनी भूख थी, ज़्यादा भूख थी, तो आपने ज़्यादा बहनों को सिखाया। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की, आज हमें किसकी खोज करना है, परमेश्वर के राज्य की। सेकेंड है, फर्स्ट मेरा स्वर्ग का राज्य, सेकंड है शांति का राज्य। यशाया 32 उसका 18 यहाँ पे क्या लिखा है, शंदरी खा ले लिया बोला बोला बोला, पढ़िए। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चित रहेंगे, और विश्राम के स्थानों में, विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। वो दुख से नहीं रहेंगे, वो निंदा से नहीं रहेंगे, वो झगड़े से नहीं रहेंगे, उनकी लाइफ में अशांति नहीं रहेगी, लेकिन क्या रहेगी, वो उनके लाइफ में सुख रहेगा, उनके लाइफ में कोई कलेश नहीं रहेगा। कैसे रहेंगे, सुख से रहेंगे, शांति का राज्य।
कितने लोग चाहते हैं आप आज लाइफ में, सारे लोग यही चाहते हैं कि मेरी लाइफ में पीस होना चाहिए, मेरी लाइफ में शांति होना चाहिए, हालेलुया, और सुख। सारे लोग बोलते हैं हम अपने अपने घर में सुख से रहे। तो आज से आपको ये वचन को क्लेम करना है। पढ़िए वापस से, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। शांति के स्थानों में, अब शांति का स्थान कहाँ है? शांति का स्थान आपको कोई संसार में नहीं मिलेगा, परमेश्वर के पास मिलेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है, हालेलुया। तो अगर हम वचन में रहेंगे तो हमारी लाइफ में शांति रहेगी। अगर वचन में हम नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, संगति में नहीं है, वचन नहीं सुनते, चर्च नहीं जाते, तो हमारी लाइफ में शांति नहीं है, हमारे लाइफ में टेंशन होएगा। लेकिन वचन में रहेंगे, लाइफ में जुड़े रहेंगे, चर्च में जुड़े रहेंगे, तो क्या रहेंगे? शांति रहेगी हमारी लाइफ में। हाँ, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे, हाँ, और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। विश्राम के स्थान, विश्राम का स्थान कौन सा है? पवित्र, पवित्र स्थान है, परमेश्वर की प्रेजेंस में, उपस्थिति में विश्राम रहेंगे। वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है, वहाँ कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ कोई बीमारी। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हम अपना दुख भूल जाते, हाँ, टेंशन भूल जाता। अभी आप वचन सुन रहे हो, आपको सुबह क्या हुआ था आप भूल गए हो, दोपहर में क्या हुआ था आप भूल गए हो, कल आप उसने क्या बोला था भूल गए। आप क्या हो अभी? परमेश्वर की उपस्थिति में हो। अभी आप क्या हो? परमेश्वर के प्रेजेंस में हो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आखिरी वाली लाइन वापस से पढ़ना। और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। आज आपको परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे तो आप सुख में रहेंगे, परमेश्वर के वचन में रहेंगे तो आप आनंद में रहेंगे, और परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो आप सुख से रहेंगे। हालेलुया, स्वर्ग के राज्य में, हालेलुया। यशाया 9 उसका 7 पढ़िएगा। शंदरी खाली बिजा बोला 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 पड़ी पड़ी। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। आज हमारी शांति का अंत नहीं होगा। आप बोली सारे लोग आमीन, हमारी शांति का कभी अंत ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आज शांति? आज हमारी हमारे हमेशा हमारी लाइफ में शांति बनी रहेगी, हमेशा हमारी लाइफ में पीस बना रहेगा, हमेशा हमारी लाइफ में आनंद बना रहेगा। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के राज्य की हर दिन, हमें सुबह खोज करना है, हमें दोपहर खोज करना है, हमें शाम को खोज करना है, हमें रात में खोज करना है। जब हम बिस्तर में जाते हैं तब भी हमको यही भूख होना चाहिए, तब भी हमारे अंदर यही प्यास होना चाहिए कि हमें परमेश्वर के राज्य के कुछ करना है। हम इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आए, परमेश्वर का प्लान नहीं है ये। परमेश्वर के खोज करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप किसी मसीह घर में पैदा हुए, किसी अन्य जाति घर में पैदा हुए, तो आप परमेश्वर की खोज करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। आपने वचन सुना, आपकी लाइफ में चमत्कार हुआ, आपका जीवन बदला, तो परमेश्वर अब आपसे ये चाहता है कि आपको परमेश्वर काम पूरा करना है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, परमेश्वर के सुसमाचार को बढ़ाना है, परमेश्वर की गवाही को बढ़ाना है, परमेश्वर की टेस्टिमनी को बढ़ाना है। लेकिन कैसे बढ़ाओगे? कैसे सुख रहेगा? कैसे आनंद रहेगा? कैसे शांति रहेगा? बाहर का आनंद कुछ दिनों का है, बाहर की शांति कुछ दिनों की है, लेकिन परमेश्वर का आनंद हमेशा लगातार कभी खत्म नहीं होता। परमेश्वर का पीस कभी खत्म नहीं होता। संसार के लोग जाते हैं पीस लेने बाहर, निराश होकर आते हैं घर पे, लेकिन हम परमेश्वर के पास जाते हैं खाली, लेकिन वो हमको भरा हुआ लौटता है, वो हमें आनंद से लौटता है, प्रेम से। उसके अंदर क्या गिफ्ट था? परमेश्वर के अंदर गिफ्ट था, प्रेम का गिफ्ट था, आनंद का गिफ्ट था, धीरज का गिफ्ट था, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, विश्वास, ये सारे गिफ्ट परमेश्वर के थे। ये आत्मा के फ्रूट थे, ये आत्मा के फल थे। आज परमेश्वर आपके अंदर वही फ्रूट डालना चाहता है, वही बातें डालना चाहता है। शैतान के फ्रूट्स क्या है? झूठ, क्रोध, कड़वाहट, निंदा, झगड़ा, ये शैतान का बीज है, ये शैतान का फल है। लेकिन मेरे परमेश्वर का फल क्या है? पीस है। मेरे परमेश्वर का फल क्या है? शांति है। हालेलुया, पढ़िएगा वापस से 9 का 7। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा।
आज हमारी शांति का, आप लोग बोलिए, आज हमारी घर में शांति का अंत ना होगा, लेकिन कब अंत ना होगा? जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे। अगर आप परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे तो आपके घर में शांति का अंत ना होगा। आज जब बोलिए, शैतान आज तेरा अंत होना जा रहा है, डेविल आज तेरा अंत होने जा रहा है, आज हमारे घर में शांति का अंत ना होगा जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे। आज आप सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। हालेलुया। शंदरिक हालेलुया बलबरा। थर्ड जो मेरा है, पवित्रता का राज्य, पवित्र आत्मा का राज्य। हालेलुया, पवित्रता का राज्य। पहला पत्रस 1:15 में क्या लिखा है? हालेलुया, पहला पत्रस 1:15 वहां पे क्या लिखा है? शंदरिक हालेलुया। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। वैसा तुम्हारे बुलाने वाला, हमारा यीशु मसीह क्या है? पवित्र है। हालेलुया, यीशु मसीह क्या है? पवित्र है। तो हमको कैसे बनना है? पवित्र। जब हम अपने आप को पवित्र बनेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, उसकी प्रेजेंस में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, हम किसी भाई को सुसमाचार सुनाएंगे, किसी बहन को सुसमाचार सुनाएंगे, तुरंत उसकी लाइफ में काम हो जाएगा, तुरंत बंद ताला उसकी लाइफ में खुल जाएगा, बंद द्वार खुल जाएगा, बंद बीमारी के रास्ते खुल जाएंगे, चंगाई के द्वार खुल जाएंगे, आशीष के द्वार खुल जाएंगे, हेवनली डोर ओपन होंगे, ब्लेसिंग के डोर ओपन होंगे, निंदा के डोर कैंसिल होंगे, लेकिन आशीष के डोर ओपन होंगे, शैतान के हर एक प्लान उसके लाइफ में कैंसिल होंगे, लेकिन परमेश्वर के प्लान उसके लाइफ में एक्टिवेट होने लगे। क्योंकि आप क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है? पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला, आज हमारा बुलाने वाला पवित्र है, तो हमें अपने हर एक चाल चलन से, अपने हर एक कैरेक्टर से पवित्र रहना है। हालेलुया। वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे जो लोग ऐसा बोलते, हे प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला? क्या मैं तेरे नाम से प्रार्थना नहीं करी? क्या मैंने तेरे नाम से उपवास नहीं रखा? दो नाव में पैर रखने वाले, एक तरफ संसार के, संसार में लोग पैर रखते हैं जो फिल्मी गाना सुनते हैं, और एक तरफ परमेश्वर के, उन लोगों को परमेश्वर बोलता है हे प्रभु। लेकिन जैसा परमेश्वर का कैरेक्टर, आप जिसका भी वचन सुने, आप जिसके किस के साथ जुड़े, आप सबसे पहले उनको वचन से, क्या वो वचन से मैच हो रहा है? क्या वो वचन से मैच हो रहा है? सबसे पहले आप ये देखिए, क्या परमेश्वर पवित्र है? परमेश्वर पवित्र, वो पवित्र है क्या? उसके वर्ड्स कैसे हैं? क्या उसमें वर्ड्स में कोई गंदगी तो नहीं है? उसकी वर्ड्स में कोई गाली तो नहीं है? वो विज़न तो देखता होगा, वो प्रोफेसी तो करता होगा, लेकिन किसी पोस्ट में कोई गाली तो नहीं शेयर करी? कोई गंदगी तो नहीं शेयर करी? कोई गलत प्रोफेसी आपने रिसीव तो नहीं कर ली उसकी? वो गलत प्रोफेसी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाएगी। आपको क्या करना है? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा, तो आपको ऐसे व्यक्ति को, तुम्हारा आज हमें कैसा बनना है? आज हमें पवित्र बनना है। हालेलुया। आगे, क्योंकि लिखा है, नहीं वही वाला, वैसे ही तुम भी, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हाँ, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन, अपने सारे चाल चलन में, अपने हर एक कैरेक्टर में, अपने हर एक नेचर में कैसे बनना है? पवित्र बनना है। यीशु मसीह ने अपने कैरेक्टर को कितना मेंटेन किया था? उसको लोगों ने थप्पड़ मारा, उसको लोगों ने कीले ठोकी, उसको लोगों ने थूका, उसको लोगों ने गाली बकी, लेकिन फिर भी वो अपने सारे चाल चलन में पवित्र था। उसने अपने मुंह से नेगेटिव बात नहीं करी। लोगों ने उसको मारा, लोगों ने उसको बोला, लेकिन वो मौन रहा, वो चुप रहा, कुछ भी लोगों ने उसको गाली बकी तो उसने गाली नहीं दी, लोगों ने उसको थप्पड़ मारा, उसने दूसरा भी फेर दिया, लोगों ने उसको झूठ बोला, फसाया, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। उसको पता था कि मुझे अपने सारे चाल चलन में, उसको पता था कि मेरा रिवॉर्ड, यानी मेरा रिवॉर्ड स्वर्ग में है। वो मनुष्य बनकर आया था, वो आपके और मेरे जैसा व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसको महान बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। अपने सारे चाल चलन में आज हमको कब पवित्र बनना है? जब आप बर्तन मांजते हैं, आपको पवित्र बनना है। जब आप बाहर मार्केट जाते हैं, ऑटो में बैठते वक्त भी आपको पवित्र बनना है। वो सामने वाला आपको गाली बक रहा है, आपको नहीं बनना है। आपको अपने हर एक चाल, आप बस वाले के पास जा रहे, उसने आपको कुछ बोला, आपको पवित्र बनना है अपने चाल चलन में। यही परमेश्वर आपका टेस्ट करता है। आप कैसे बस वालों को सुझा? आप अपने पड़ोस में पवित्र बनना है। आपके पड़ोस वाले ने आपको कुछ बोला, आपने कुछ बोल दिया,
फिर क्या हुआ, अपने सारे चाल चलन में आपको पवित्र कैसे आप उसको सुसमाचार सुनाएंगे, कैसे परमेश्वर के राज्य खोजना करोगे। हालेलुया, अपने सारे चाल चलन में हमें हमेशा यीशु का लहू लेके, यीशु के प्रोटेक्शन लेके घर से निकलना है। ऑटो वाले से ले तक, बस वाले से ले तक, कार वाले, आपके ऑफिस में आप प्रिंसिपल की पोस्ट पे है वहाँ पे भी, आप टीचर है आप प्रिंसिपल के पास जाती, अपने प्रिंसिपल को सुसमाचार परमेश्वर के राज्य की बात। सारी टीचर उनकी बात नहीं सुनती होगी, लेकिन ना सुनेंगी तो आप ये बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं, आप अपने सारे चाल चल में पवित्र, आपका कैरेक्टर अच्छा है, लोग आपके कैरेक्टर की तारीफ़ करेंगे, लोग आपके नेचर की तारीफ़ करेंगे, लोग आपके व्यवहार की तारीफ़ करेंगे। यीशु के लोग व्यवहार की तारीफ़ करते थे, उसको लोगों ने थप्पड़ मारा, उसने थप्पड़ नहीं मारा, लोगों ने उसको गाली बकी, उसने गाली नहीं बकी, लोगों ने उसको बांधा, कीले ठोकी, मारा, घूसा, बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन परमेश्वर ने अपने सारे चाल चलन में क्या करा, भगा दिया लोगों ने उसको घर से, निकाल दिया उसको घर से, लेकिन फिर भी वो पहाड़ों पे रहता था, पहाड़ों पे जाके प्रार्थना करता था। अपने सारे चाल चलन में आज हमें पवित्र बनना है, तब हम लोगों को सुसमाचार सुना पाएंगे। हमें भी गुस्सा आ रहा है, हमारे पास एक विश्वास यार उसको भी गुस्सा आ रहा है, तो फिर हमें और उसमें क्या डिफरेंट हो गया। अंधे अंधे को रास्ता दिखाए, हम उसको कैसे सुसमाचार सुनाएंगे, हम उसको कैसे परमेश्वर के वचन के बारे में बताएंगे। आप कैसे अपनी गवाही को बताएंगे, जब भी किसी भाई बहनों को सुसमाचार बताएं, जब भी परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएं, सबसे पहले आप अपनी गवाही बताएं। आज अपने परमेश्वर के लिए क्या छोड़ा है, क्या आपसे सबसे फेवरेट चीज़ क्या थी, आपका सबसे फेवरेट डिस्को जाना थी तो आप बोलिए मैंने अपने डिस्को जाना को छोड़ा परमेश्वर के लिए। क्या आपसे सबसे फेवरेट चीज़ आपकी सेल्फी थी लेना, आपने वो छोड़ा परमेश्वर के लिए। क्या आपकी सबसे फेवरेट चीज़ घूमना था, आपने वो छोड़ा परमेश्वर के लिए। आपकी ये गवाही होगी कि मैंने परमेश्वर के लिए ये छोड़ा। क्या आप पहले बहुत गुस्सा करती थी, अब गुस्सा नहीं करती, बोले मैंने परमेश्वर के लिए ये छोड़ा है, ये आपकी गवाही होगी, ये आपकी टेस्टिमनी होगी। हालेलुया, अपने सारे चाल चलन सत पवित्र बनो, अपने हर एक कैरेक्टर को मेंटेन करके रखो। जो अपने कैरेक्टर को मेंटेन करके रखता है वो लंबा जीता है ना, जो अपने कैरेक्टर को मेंटेन करके रखता है वो क्या होता है, वो लंबा, उसकी आयु परमेश्वर बढ़ाता है। पढ़ दीजिए आखिरी बार ये वचन, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, हमारा यीशु मसीह पवित्र है, तो आज हमें भी पवित्र बनना है, अपने सारे चाल चलन सहित, अपने सारे कैरेक्टर सहित, आज हमें कैसा बनना है, पवित्र, तब लोग हम पर विश्वास करेंगे, तब लोगों को हम परमेश्वर के राज्य की बात बताएंगे, तब लोग ये नहीं बोलेंगे नहीं, लोग आपकी बात मानेंगे, नहीं इसने बहन ने बताया, इस भाई ने बताया, कुछ तो बात है इसके यीशु मसीह ने कि इसने हमको चेंज कर दिया, इसने हमको बदल दिया है, इसको ऐसा क्या काम था, इसने अपनी हर एक चीज, हर एक फेवरेट चीजों को छोड़ दिया, इसके यीशु मसीह ने कुछ तो बात है, और ऐसा क्या है, मैं अपने गॉड से प्रार्थना करती, लेकिन ये इसके गॉड से प्रार्थना करती और तुरंत आंसर आता है, तब वो बोलेगा आपका गॉड ऐसा क्या काम करता है। वो आपके पास आएंगे, आप उनको सुसमाचार सुनाएंगे, फिर एक आत्मा बच जाएगी, आप उसको परमेश्वर के राज्य में ले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फोर्थ है मेरा मेल मिलाप का राज्य, रोमियो 4:14-17। शंदरिका ले लिया बोला बराबर, क्योंकि परमेश्वर का राज्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य, हाँ पढ़िए, खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परम मिलना है, मेल मिलाप है, हाँ, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु मेल मिलाप है, मतलब संगति है। हालेलुया, और वह आनंद है। परमेश्वर के राज्य में क्या है, आनंद है, उपस्थिति है, प्रेजेंस है। हालेलुया, जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा से होता है। चंद्रिका, मेल मिलाप का राज्य, आज हमको एक दूसरे से मिलना है, मेल मिलाप करना है। हालेलुया, हम नहीं मिलते हैं, हम नहीं मिलेंगे तो लोग को सुसमाचार पे कैसे विश्वास होएगा, हमको मिलना भी है। ज़रूरी नहीं हम मिले तो हम खाना करें, डिनर करें, हम उनसे वचन की बात कर सकते, हम उनसे आत्मिक फूड ले सकते,
हालेलुया हालेलुया। वापस से धीरे धीरे पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है। परमेश्वर का राज्य संगति है और आनंद। जब हम दो भाई या बहनों कुछ मिलते तो क्या करते हैं? आनंद करते हैं। जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं परमेश्वर हाजिर होता है। जब हम मेल मिलाप करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, जब हम वचन की बात करते हैं, जब हम प्रार्थना की बात करते हैं, वो उसने अपनी गवाही बताई, उस बहन ने अपनी गवाही बताई कि बीते महीने मेरे साथ ये हुआ था, मैंने ये प्रार्थना करी थी, मैंने नाइट में ये प्रार्थना करी थी, मैंने उस बहन के लिए ये प्रार्थना करी थी। वो अपनी गवाही बताए, वो अपनी टेस्टिमनी बताए कि मेरे कॉलेज में ऐसा हुआ था, मेरे स्कूल में ऐसा गया, मैं जॉब पर गई थी तो मेरा ऐसा हुआ था। यहाँ मेल मिलाप को दिखा रहा है संगति का। जब हम मिलेंगे नहीं लोगों से तो हम कैसे लोगों को सुसमाचार सुना पाएंगे? आज हमें मेल मिलाप करना है। हाँ, आगे। जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। किससे होता है? पवित्र आत्मा एक हमारा बेस्ट फ्रेंड है। पवित्र आत्मा आज हमारा सहायक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? हमारा बेस्ट फ्रेंड है। आपको पवित्र आत्मा को हर जगह, आपके वॉशरूम में भी लेके जाना है पवित्र आत्मा को, वहाँ भी आप उसकी अगुवाई मांग सकते हैं। आप अपने किचन में काम करते करते आप उसकी अगुवाई मांग सकते हैं। जब आप किसी बहन को सिखाए या भाई को सिखाए, भाई भाई को सिखाए, बहन बहन को सिखाए, तो आप पवित्र आत्मा की अगुवाई मांग, पवित्र आत्मा जी मैं इसको सिखाने जा रहा हूँ, मैं इसको सिखाए, परमेश्वर तू मुझे वचन से आशीषित कर, तू मुझे नया प्रकाशन दे। जो इस बहन के अंदर जो भी गंदगी चल रही है, जो ये चाहती है, वचन उससे ही मैच करना चाहिए। इस वचन के द्वारा लोग आज़ाद होते हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर के राज्य में आते हैं, वचन उनको आज़ाद करता है। हालेलुया। हाँ, फिफ्थ मेरा सामर्थ का राज्य। हालेलुया हालेलुया। पहला कुरंतियो 4:20। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। परमेश्वर का राज्य, मैंने आपको बताया था, बातों में नहीं परंतु काई में है, सामर्थ में है। हालेलुया। यही सामर्थ का राज्य। आज मैंने बताया आपको सामर्थ का राज्य, परमेश्वर का राज्य है बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। हालेलुया। वापस आ जाइए मत्ती 6। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। इसलिए पहले तुम, आज हमें किसकी खोज करना है? मैं आपको आज उसके राज्य की, किंगडम ऑफ गॉड की खोज करना है, साम्राज्य की खोज करना है, स्वर्ग के राज्य की खोज करना है, शांति के राज्य की खोज करना है, पवित्रता की खोज करना है, मेल मिलाप की खोज करना है और सामर्थ्य के राज्य की, हम हर एक बातों की खोज करना है। यदि हम खोज करेंगे, कोई चीज़ हमारी नहीं मिल रही, हम घूम गए तो हम क्या करेंगे? जब तक हम उसको ढूंढने के, हमें मिल नहीं, आपकी गोल्ड की रिंग घूम गई, आप क्या करोगे? जब तक नहीं मिलती ढूंढते रहते हो आप क्या करें? खोज। और जब मिल जाती है तो आप आनंद करते हैं। हालेलुया। वैसे ही हमें खोज करते रहना है परमेश्वर के राज्य की। हम जब तक आपको आंसर नहीं मिलता, आपको खोज करते रहना है, आपको वचन पढ़ना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको संगति करना है, आपको लोगों को सिखाना है। एक बहन, एक भाई आपकी बात नहीं मान, आप वचन सुना रहे हो, खोज करो, आपको बोलते जाइए, करते जाइए। आने वाले दिनों में वो बहन जरूर मसीह में आएगी, वो बहन जरूर प्रार्थना में आएगी, वो बहन जरूर आपकी बात मानेगी। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होगा, परमेश्वर की सामर्थ्य उस पर होगी। आप उसके लिए लिस्ट निकाल लीजिए। आप जिस बहन से बात करते, जिस भाई से बात करते, एक पेपर पे प्लेन पेपर लीजिए, आप उन भाई का नाम लेके उस बहन का नाम लीजिए और क्या लिखना है आपको? परमेश्वर तो उस बहन का मन बदल, परमेश्वर में इसको, परमेश्वर तेरी ओर से तेरे राज्य में खींच ले, वचन इसको आज़ाद करे, वचन इसको चंगा करे, वचन इनको हील करे। ये डॉक्टर में फिजूल खर्चा ना जाए, डॉक्टर की बातों पे विश्वास ना करे, लेकिन परमेश्वर ये तेरे वचन पे, जिंदा कलाम पे, वचन पे विश्वास करे। हम किसी भाई को नहीं खींच सकते, हम किसी बहन को नहीं खींच सकते, लेकिन परमेश्वर ही खींच सकता है। परमेश्वर ही घटाता और बढ़ाना उसका ही है। वो जिस किसी व्यक्ति को बढ़ाना चाहता है बढ़ाता है, और जिस किसी व्यक्ति को घटाना चाहता है घटाना चाहता है। जिस किसी व्यक्ति को प्रार्थना करवाना चाहता है वो करवाएगा, जिस किसी व्यक्ति को प्रचार करने का मौका देगा वो उसी को देगा,
चाहे आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें मेहनत करते रहना है, परमेश्वर में परिश्रम करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर जो भी आप परिश्रम करते हैं, कोई संसार में जो परिश्रम किया वो व्यर्थ है, लेकिन परमेश्वर में जो किया गया परीक्षा में, आप सुबह उठ रहे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, आप दोपहर में वचन पढ़ रहे हो, आप रात में वचन पढ़ रहे हो, आप बहनों को सिखा रहे हो, आप धूप में जा रहे हो, आप गर्मियों में जा रहे हो, आप ठंड में जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सह रहे हो, आपने परमेश्वर के लिए ठंड को नहीं देखा, आपने परमेश्वर के लिए गर्मी को नहीं देखा, आपने परमेश्वर के लिए रात को नहीं देखा, आपने परमेश्वर के लिए खटारा टेम्पो में गए, खटारा गाड़ी में गए, आप पैदल गए, अपने परमेश्वर के अपने घुटनों को दिखाए, आपने मेहनत करी, आपने परिश्रम किया, क्या होगा, परमेश्वर में किया गया कोई सा भी परिश्रम, आपने परमेश्वर के लिए सुसमाचार लेके बहुत दूर गए, 3 घंटे का रास्ता तय किया, 4 घंटे का रास्ता तय किया, 6 घंटे का, आप क्या कर रहे हो, आप परिश्रम कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर में किया गया हर एक परिश्रम कैसा भी क्यों नहीं हो, शायद आप लेके गए वचन, वो बहन आज नहीं मिली, वो भाई आज नहीं मिला, आप कल जाओ करते रहो परीक्षा, सेकंड डे नहीं मिला तीस जाओ, एक ना एक दिन तो जरूर मिलेगा, एक ना एक दिन तो शत्रु के काम जरूर नष्ट होंगे, एक ना एक दिन डेविल के काम जरूर नष्ट होंगे, हालेलुया हालेलुया, एक ना एक दिन परमेश्वर का राज्य उसके घर में जरूर आएगा, एक ना एक दिन परमेश्वर की सामर्थ्य उसके घर में जरूर आएगी, एक ना एक दिन परमेश्वर का वचन उसके घर में जरूर आएगा, एक ना एक दिन वो परमेश्वर पर जरूर विश्वास करेगा, चंगाई उसके जीवन में जरूर आएगी, अभिषेक उसके जीवन में जरूर आएगा, ब्लैसिंग उसके जीवन में जरूर आएगी, तब वो बोलेगा तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, परमेश्वर के राज्य मेरे निकट है, अब मुझे क्या करना है, फिर आप उसको बताओगे, मन फिराना है, हालेलुया, मेहनत करते जाओ, परमेश्वर किया में किया गया कोई सा भी परीक्षण क्यों नहीं हो, आपके घर में कुछ विश्वास है, आप उनके लिए खाना बना रहे हो, वो भी परमेश्वर में किया गया परीक्षण है, आपको किसी मैन ऑफ गॉड वुमन ऑफ गॉड के लिए खाना दूर मंगाना है, दूर ले जाना उनके लिए, वो भी परमेश्वर में किया गया परीक्षण है, कोई भी परीक्षण आप करोगे परमेश्वर में वैट नहीं जाता। जब मैं स्टार्टिंग दिनों में अपनी प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे यही वचन दिया था कि परमेश्वर में जो अभी तुम परिश्रम कर रहे हो ना वो व्यर्थ नहीं जाएगा, परमेश्वर उसका प्रतिफल, परमेश्वर का गिफ्ट आपको जरूर देगा, और लॉकडाउन में इसका गिफ्ट और इसका रिजल्ट मैंने देखा है, हालेलुया हालेलुया। आप नाइट प्रार्थना करो रात में परमेश्वर में, आपके कोई आप प्रार्थना कर रहे हो 3 घंटे 2 घंटे नहीं हो रहा है, रात में बैठिए, 1 दिन बैठिए, 2 दिन बैठिए, आपका पति आपकी बात नहीं मान रहा है, आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मान रही, आपके घर में आपकी चल नहीं रही, आपके घर में नहीं चल रही ना, लेकिन आपकी एक जगह जरूर चलेगी, वही यीशु मसीह आपकी बात जरूर मानेगा, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे लव करता है, जब आप उसके पास बैठेगी, जब आपकी उपस्थिति में बैठेगी, क्या होगा, सुबह आपकी लाइफ में रिजल्ट आएगा, रात तो आपका अंधेरा था, रात आपकी काली थी, लेकिन हर दिन काली नहीं होती, हर दिन अंधेरा नहीं होता, एक दिन जरूर प्रकाश आएगा, एक दिन जरूर लाइट आएगी, रात अंधेरी थी, रात में आप रोए थे, रात में आपने आंसू बहा लिया, रात में आप दुख में थे, रात में आप पति ने आपको रुला लिया, रात में बहुत टेंशन में थे, आप सोचते मैं सुसाइड कर दूँ, आप सोच रहे थे मैं गोली खा लूँ, आप सोच रहे मैं नहीं जी सकती, मैं बोलेंगी उसी रात में परमेश्वर के पास बैठिए, सुबह आपके लाइफ में उजियाला होगा, सुबह आपके लाइफ में प्रकाश होगा, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर रात एक जैसी नहीं होती, हर सुबह एक जैसी नहीं, लेकिन सुबह एक आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आएगा, सरदूत आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ लाएगा, आप 12 से 3 अब बैठे 12 से 4 अब बैठे 12 से 6 मैं बोलूंगी मैंने अपनी लाइफ में ये रात वाला रिजल्ट जरूर देखा है, हालेलुया। आप बैठिए, आपको लग रहा है मेरा पति मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुन रही, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे, यहाँ पे संसार में कोई लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी मम्मी मेरी बात नहीं सुन रही, मेरे पड़ोस वाले मेरी बात नहीं सुन रहे, कोई घर में मुझसे बात नहीं करता है, कोई घर में मेरे ढंग से बात नहीं करता है, मैं दुखी हूँ, अब मैं परमेश्वर को सुसमाचार कैसे सुनाऊँ। जब सब सो जाए तब रात में शैतान की कुटाई करने का आपको मौका मिले, 3 घंटा वचन पढ़िए, 2 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, 1 घंटा फायर प्रेयर करिए, 1 घंटा शैतान की कुटाई लगाइए, फिर देखिए शत्रु आपके इलाके से, शत्रु आपके घर से कैसा नहीं भागता, फिर हम कैसे परमेश्वर के राज्य आगे नहीं बढ़ते, फिर कैसे शत्रु हमको रोकता, कैसे हम वचन में हाथ लेके वचन नहीं पढ़ सकते। हालेलुया। शायद आप रो लियो, आप बहुत दुख में होंगे, आप बहुत टेंशन में होंगे, आप बहुत तकलीफ़ में होंगे, आप बहुत बीमारी में होंगे, आप बहुत बीमारी कर लीजिए, शैतान ने आपकी बॉडी के अंदर बहुत बीमारी दे दी, आप बहुत समस्या है, बोले आज से मैं परमेश्वर तेरे राज्य का काम करूँगी, बोलिए आज से मैं परमेश्वर तेरे राज्य का काम करूँगी,
आज मैं तेरे राज्य को बढ़ाऊंगी। बोलिए, स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग के राज्य का बात बताऊंगी लोगों को। मैं अगर मैं जॉब करती हूँ, मैं नर्स हूँ तो मैं जाके बताऊंगी, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं जाके बताऊंगी, मैं इंजीनियर हूँ मैं जाके बताऊंगी, मैं एक हॉस्पिटल में पोछा लगाती हूँ मैं वहाँ पे भी जाके बताऊंगी परमेश्वर के राज्य के बारे में। हमें बताना है। यहाँ पे क्या लिखा, मत्ती 6:33 में पढ़िए, इसलिए पहले तुम क्या करना है, आपका पति पहले बात नहीं मान रहा ना, आपकी पत्नी पहले बात नहीं, हम बोलते ना पहले मेरी सुनो, आपकी पत्नी पहले बात नहीं मान रही, आपके पति पहले बात नहीं मान रहा, आपके बच्चे आपकी पहली बात नहीं मान रहे, आपकी मदर इन लॉ, आपके ब्रदर इन लॉ, आपके आस पड़ोस, आपके रिलेशन वाले आपकी बात नहीं मान रहे पहले, तो आपको क्या करना है, आप पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज करने, आपको दिन में टाइम नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं बहनों, रात में बैठिए, अपने बच्चों को सुला दीजिए। आज हम ऐसा नहीं बोल सकते, हमारा बच्चा छोटा है तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम वचन, जब हमारा बच्चा छोटा है तो हम खाना खा सकते, हम शॉपिंग पे जा सकते, हम कॉस्मेटिक लगा सकते, हम अच्छे कपड़े पहन सकते, तो हम परमेश्वर का वचन क्यों नहीं पढ़ सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें रात में अपने बच्चों को सुला देना है और हमें रात में बैठना है प्रार्थना करने, और फिर देखना सुबह आपका पति आपसे अच्छे से बात करेगा, आपकी पत्नी आपसे अच्छे से बात करेगी, आपकी मदर इन लॉ आपसे अच्छे से बात करेगी, आपके ब्रदर इन लॉ, आप बोलेंगे ये रात तो कुछ और था, ये अभी क्या हो गया, ये अभी आपकी प्रार्थना ने, आपकी खोज ने उनकी लाइफ को चेंज करा। अभी तो तलाक होने वाला था, अभी शैतान का काम होने वाला था, अभी तो आपको पियर छोड़ने वाले थे, लेकिन अचानक ही जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती ना, वहाँ परमेश्वर की सोच स्टार्ट होती है। जहाँ हमारा सोचना ख़त्म होता है ना, वहाँ परमेश्वर का विचार, हमारे विचार में जमीन आसमान का फ़र्क है। हालेलुया, हालेलुया। क्या रात में बैठिए, शैतान की कुटाई लगाइए, आप अपनी मदर इन लॉ से मत लड़िए, आप अपने भाई से मत लड़िए, आप अपनी बहन से मत लड़िए, आप अपने पति से मत लड़िए, लेकिन रात में बैठ के शैतान की कुटाई लगे नाइट प्रार्थना करिए। मैं बोलूँगी आने वाले दिनों में ये रिजल्ट को आप देखोगे, परमेश्वर के राज्य की खोजबीन करते रहिए। आपको नहीं जाने मिलता, अपने आस पड़ोस में सुसमाचार, आप घर में प्रॉब्लम है कि मैं नहीं जा सकती, कैसे मैं सुसमाचार सुनाऊँ, आप आस पड़ोस वाले को सुनाएं, आप आस पड़ोस वालों को सुनाएं। अब फिलहाल ही मैंने एक बहन से पूछा, एक बहन है, अच्छे प्रार्थना करी, वचन पढ़ी, तो मैंने एक बहन से पूछा कि फिर कैसे, क्या उनका खर्चा चलता है, तो वो बोल रही थी एक बहन ने प्रार्थना करी थी तो उनका प्रार्थना करती थी वो बहन, उनका जो एक भाई आया, बोले ये बहन प्रार्थना करवा करती है, हमारा बच्चा कोमा में चला गया, एक्सीडेंट हो गया, उस बहन ने प्रार्थना करी और क्या हुआ, वो कोमा से हट गया, और क्या हुआ, उस बहन को एक भाई ने घर गिफ्ट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको भी परमेश्वर ऐसा कर सकता है, आपके लाइफ में भी चमत्कार आ सकता है, एक रात के अंदर, एक दिन के अंदर परमेश्वर चमत्कार है, और परमेश्वर हमारे अंदर चमत्कार डालना चाहता है, बस हमें खोज करना है, हमें हर दिन रात में बैठना है, हमें उसको खोजना है, हमें उसके वचन को खोजना है। कोई वचन नहीं समझ में आए तो हमें पूछना है। आपके ऊपर हमने लीडर्स को ठहरा के रखा है, आपके ऊपर हमने बहुत सारे लोगों को दे के रखा है, इस बहन से बात करना, इस भाई से बात करना। हालेलुया। अगर आप उनका फ़ोन नहीं उठाते तो आप क्या करते हो, आप अपने नुकसान करते हो। हम एक दिन जॉब पर नहीं जाते तो हमारी सैलरी कट हो जाती है, तो आप किसका नुकसान करते, आप आत्मिकता का नुकसान करते, आप अपना नुकसान करते हो। हालेलुया। आज आपको क्या करना है, हर दिन परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, हर दिन हर दिन हर दिन रात में बैठिए। आपको अगर आपको लगता है हम सुबह बैठ सकते हैं, हम दोपहर बैठ सकते हैं, दोपहर बैठे सुबह, लेकिन आपके घर के अंदर शत्रु नहीं घुसना चाहिए। ये मेरा घर है, मेरे घर में कैसे, आप अपने घर में कैसा झगड़ा करते, शत्रु की पिटाई करिए। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड जो मेरा है पढ़िए, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य हाँ और उसके धर्म की खोज करो। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की, पहले हमें क्या करना है, परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। आगे और उसके धर्म की खोज करना है। किसकी खोज करना है, अब उसके धर्म की खोज करना है, धार्मिकता की खोज करना है। हालेलुया। अब धार्मिकता की खोज कैसे आएगी, सबसे पहले आज हमें उसकी आज्ञा मानना है। हालेलुया।
इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और उसके धर्म की खोज करो। आप धर्म की खोज कैसे करेंगे? सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। यीशु 1:8 परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या लिखा है? यीशु 1:8 उसमें परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? शंदरी खा ले लीजिए बोला बोला। व्यवस्था की यह पुस्तक हाँ तेरे चित से कभी न उतरने पाए, इसीलिए दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया। हाँ पढ़िए, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित से कभी परमेश्वर का ये वचन हमारे अंदर से कभी ना उतरने पाए। जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, बाहरी तौर पे ना पढ़े, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर अंदर जाए। जब भी आप वचन पढ़े, आप एक चैप्टर पढ़ कर छोड़े नहीं, वो चैप्टर को समझ में नहीं आए, एक बार नहीं, दो बार नहीं। जब स्कूल में होते थे, जब कॉलेज में होते थे, आपको आपको नहीं आता था, आपकी मॉम क्या करते थे? उसी को बार बार रिवाइज कराते थे, बार बार लिखा, ताकि क्या हो जाए, आपको याद हो जाए। वैसे आपको क्या करना है? वचन को बार बार पढ़ना है, वचन को बार बार याद करना है, ताकि क्या हो? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित से कभी ना तेरे हृदय से, तेरे अंदर से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए किसमें रहना है? दिन में ध्यान दिए रहना है, रात में ध्यान दिए रहना है। हालेलुया। धार्मिकता की खोज कैसे करेंगे? जब वचन हमारे अंदर रहेगा तो हम लोगों को धार्मिकता के बारे में बताएंगे, तो परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, परमेश्वर के धार्मिकता की खोज करेंगे। हालेलुया। पूरा पढ़ते हैं वापस से। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन और रात हमें ध्यान दिए रहना है। हाँ, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी लिखा है, हमको उसके अनुसार करने की चौकसी। परमेश्वर के वचन में लिखा है आज्ञा मानना, तो आज्ञा मानना। परमेश्वर के लिए वचन में लिखा है प्रेम करना, तो प्रेम करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा विश्वास, तो विश्वास करना है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि ऐसा ही करने से, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल, तेरे सब काम, कोई से भी काम, अपने जॉब पे जा रहे हो, आपको लग रहा है मेरा काम नहीं होएगा, वो आपकी सोच है, लेकिन परमेश्वर आपके कामों को सफल करने जा रहा है। आपको लग रहा है मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वो आप सोच रहे हो, परमेश्वर आपसे प्रार्थना कराना चाहता है। आप सोच रहे हो मैं ये काम नहीं कर सकती, लेकिन आप वो काम कर सकते। आप सोचते हो कि मेरा घर का काम अधूरा हो गया, लेकिन परमेश्वर बोलता है आपका घर का काम बनने वाला है। आप सोचते हो मैं जमीन नहीं ले सकती, जमीन बन जाएगी। आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे, आपके सारे काम, आपका मैनेजर आपसे गुस्सा है, अब जा रहे हो, अब मुझे वापस से डांट पिटेगी, लेकिन आपसे प्यार से बात करेगा। आपके फाइल के काम नहीं हो रहे, आपके फाइल के काम होने लग जाएंगे। लेकिन कब होएंगे आपके सारे काम? पहले तो परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करेंगे। जब हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करेंगे और उसकी आज्ञा को मानेंगे और उसके वचन पे चलेंगे, तब हमारे सारे काम, कोई से भी काम क्यों ना हो, वो सफल होएंगे। आपके पति जब जाएंगे, आप निराश होकर घर पे नहीं आएंगे कि मेरे को जॉब नहीं मिली, मेरे को जॉब से निकाल दिया, ऐसा नहीं होएगा। वो बोलेंगे मेरे को इंक्रीमेंट हो गया, मेरे को मैनेजर बना दिया, मेरे को हाई पोस्ट पे बना दिया, मैं तो 10,000 की जॉब लेने गया था, परमेश्वर ने मुझे 20,000 की जॉब दी, मैं 30,000 की जॉब लेने गई थी, मुझे परमेश्वर ने 40,000 की जॉब दी। परमेश्वर सारे काम सफल बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा ही करने से मेरे सब काम सफल होंगे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सब काम सफल भी होंगे, तू प्रभावशाली भी होएगा लोगों के सामने। आज हमारे सारे काम सफल होंगे, लेकिन कब? आज्ञा मानने से। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, उसके वचन पे चलेंगे जो परमेश्वर ने बोला है, और सबसे पहले धार्मिकता की खोज करेंगे, धर्म के हर एक परमेश्वर का जो धर्म, परमेश्वर के वचनों को आगे बढ़ाएंगे, वचन पढ़ेंगे, उसकी जो परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो करेंगे। अगर मैंने आपको ये वचन बोला है, तो ये वचन आपके जीवन में रिलीज होगा, ये वचन आपके लाइफ में पूरा होगा। हालेलुया। यूहन्ना 14:15 में क्या लिखा है? आज हमें धार्मिकता की खोज करना, और धार्मिकता की खोज कैसे करेंगे? सबसे पहले उसकी आज्ञा मानेंगे। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, तो लोग हमारी आज्ञा मानेंगे। हाँ पढ़िए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हो, तो आप आज्ञा को मानोगे।
आप बोलते हो हम परमेश्वर से प्रेम करते हो और आप परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे, उसकी धार्मिकता की खोज नहीं कर रहे। यदि आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, उससे लव करते हो, उससे प्यार करते हो, तो क्या करोगे? आप उसके वचन को मानोगे। पढ़िए आगे, वही वाला पढ़िए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरी आज्ञा को, किसको? परमेश्वर। चंद्रिका, यदि तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो परमेश्वर की हर एक आज्ञा, परमेश्वर की सबसे पहली आज्ञा क्या है? आज्ञा मानना, परमेश्वर के वचन पे चलना। और यहाँ पे क्या लिखा है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना। और धर्म की खोज कैसे करोगे? आज्ञा से स्टार्ट होती है। हालेलुया, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते तो उसकी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड जो मेरा है, परमेश्वर की सुनना। अब परमेश्वर की सुनना, परमेश्वर आज हमसे क्या बोलना चाहता है? आज हमें परमेश्वर को नहीं सुनाना, आज आप प्रार्थना में बैठ गए परमेश्वर ये कर वो कर, नहीं। अब परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है? आपने तो बोल दिया परमेश्वर को, अब परमेश्वर की भी तो सुनना हमको कि परमेश्वर क्या बोलना। हमें नहीं बोलना, लेकिन परमेश्वर को भी सुनने के लिए बैठना, परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है। नीति वचन 4:20, वहाँ पे क्या लिखा है? हालेलुया, नीति वचन 4:20, उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। हाँ, आज हमें कैसे सुनना है? परमेश्वर के वचन ध्यान से। जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है तो हमें ध्यान से सुनना है। हमारा मन इधर उधर नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान से कि परमेश्वर से बोलना क्या चाहता है। जब हम परमेश्वर के बैठने जाते हैं तो हमें परमेश्वर की सुनना है, हमें नहीं बोलना है। हाँ पढ़िए, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के ध्यान से सुनना है। क्या बोलना चाहता है परमेश्वर? वो क्या योजना प्रकट करना चाहता है? परमेश्वर चाहता है क्या हमसे? परमेश्वर की योजना क्या है आज हमारे जीवन में? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। तो उसकी खोज करने के लिए परमेश्वर की सुनना है। परमेश्वर की सुनेंगे तो ही हम कर पाएंगे ना। परमेश्वर नहीं बोलेगा तो हम कैसे कर पाएंगे? इसलिए हमें परमेश्वर की सुनना है। हाँ पढ़िए, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आज हमारा अपना कान संसार पर नहीं लगाना है, संसार की बातों पर नहीं लगाना है, लोगों की बातों पर नहीं। लेकिन आज हमें अपना कान कहाँ लगाना है? परमेश्वर के वचन पर। किस पे लगाना है? आज हमें अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पे, इसी पे हमें दिन और रात ध्यान दिए रहना है। तब हमारे सारे काम सफल होंगे, कोई भी काम बिगड़ेंगे नहीं। हालेलुया, ध्यान से सुनना है परमेश्वर बोलना क्या चाहता है। परमेश्वर ऐसा बोलेगा, जा, मैंने आज तुझे उस बहन के लिए बोल रहा हूँ, उसके हाथ सर पे हाथ रखना, प्रार्थना करना, वो चंगा हो जाएगा। आपने इग्नोर कर दिया, नहीं सुना परमेश्वर का। आज बोला है, आज आपने सोचा कि मैं इस बहन के पास जाऊँगा प्रार्थना, लेकिन परमेश्वर आपको उधर नहीं भेजा, परमेश्वर आपको कहीं और भेजना चाहता है। आपने बोला नहीं, मैंने कल से इस बहन के लिए तैयारी करी, कल से इस बहन ने सब तैयारी कर ली, कोई बात नहीं। लेकिन परमेश्वर की सुनना है। परमेश्वर तो क्या बोलना चाहता है? कैसे खोज करने के लिए, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज के लिए पहले परमेश्वर की सुनना है। परमेश्वर जहाँ भेजेगा वहीं जाना है। परमेश्वर काम करने वाला है, कोई व्यक्ति काम नहीं करना। आप स्वयं चमत्कार नहीं कर सकते, परमेश्वर हमारी लाइफ में चमत्कार करता है, क्योंकि परमेश्वर खुद चमत्कार है। हालेलुया, तो हमें परमेश्वर की सुनने के लिए बैठना है। परमेश्वर बोलना क्या? जब वचन पढ़ते हैं थोड़ी देर रिलैक्स बैठना है, वचन पढ़ने के बाद 10 मिनट रिलैक्स बैठना है। क्या मैंने वचन पढ़ लिया, अब मैं सुनूँ से आंसर तो देऊँ परमेश्वर क्या बोल रहा है, इस वचन का क्या प्रकाशन देने है, इस वचन से परमेश्वर से क्या बातचीत करने जा रहा है, परमेश्वर कहीं भी आपसे ड्रीम से बात करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर की सुनना है। हाँ पढ़िए वापस से 4:20। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। कहाँ पे लगाना है? संसार की बातों पे नहीं, चार लेडी से बैठ गई बुराई की बातों पर नहीं, गलत संगति वाली बातों पे नहीं। लेकिन आज हमें कहाँ लगाना है अपना ध्यान? परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की खोजबीन पर, परमेश्वर की बातों पे, परमेश्वर के चमत्कार पे, परमेश्वर के रिवाइवल पे, परमेश्वर के वचन पे आज हमें अपना ध्यान वहाँ लगाना है। हालेलुया, आज हमारे अपने कान को किसके लिए खोलना है? आज हमारे कान परमेश्वर के वचन के लिए, फालतू बातों के लिए बंद होना चाहिए। लेकिन जब हमारे कान परमेश्वर के, आप रोज बोलिए, परमेश्वर तू मेरे आत्मिक कान खोल, तू मेरे स्पिरिचुअल कान खोल, स्पिरिचुअल आइज खोल। हालेलुया, हालेलुया।
थर्ड है परमेश्वर में बने रहना। आज हम परमेश्वर में कैसे बने रहेंगे? जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, तो हम परमेश्वर में बने रहेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 15 उसका 7 वहाँ पे क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि आप परमेश्वर में बने रहोगे तो परमेश्वर का वचन भी आप पे बना रहेगा। यदि आप परमेश्वर में बने ना रहोगे तो कैसे परमेश्वर का वचन काम करेगा? आप महीने में एक बार आ जाएंगे और आप बोलेंगे यीशु तू मुझे चंगा कर, यीशु तू मुझे शिफा दे, यीशु तू मुझे आज़ादी दे। नहीं, अगर आप परमेश्वर में बने रहोगे तो परमेश्वर आपके अंदर बना रहेगा। अगर आप परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे, अगर आप परमेश्वर में बने नहीं, आप कैसे? तुम मुझसे अलग होकर, आज हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आज हम परमेश्वर से अलग होकर सामर्थ्य काम नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर अच्छे रिलेशन स्टोर नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर ब्लेसिंग नहीं ले सकते। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ नहीं, लेकिन आप परमेश्वर में बने रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या बोला है परमेश्वर ने? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर। अब उसके धर्म और राज की खोज करने के लिए हमें बने रहना है सबसे पहले। ऐसा नहीं हम 3 महीने बने रहे, हमारा काम हो गया और हम चले गए। हम 6 महीने बने रहे, हमारा काम हो गए। भाई बहनों, आप परमेश्वर का यूज मत करिए कि हम बस चंगा ही पाना आ जाए, हम आशीष पाने आ जाए, हम मिरेकल पाने आ जाए और हम प्रार्थना कराने के वक्त आ जाए। आप हमेशा बने रहो। अगर आप बने रहोगे तो ही फ्रूट आएंगे, तो ही फल आएगा, तो ही मिरेकल आएगा, तो ही बेबी ब्लेसिंग आएगा, तो ही आशीष आएगी, तो ही बड़े घर आएंगे, तो ही अच्छी गाड़ी आएगी, तो ही आनंद आएगा, तो ही आशीष आएगी। अगर आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो मुझसे अलग होकर, आज हम जितने लोग परमेश्वर से अलग हो गए आप उनकी लाइफ देखिए, और जो परमेश्वर में अभी तक बने आप उनकी लाइफ देखिए। उनकी लाइफ में आनंद है, उनकी लाइफ में शांति, उनकी लाइफ में पीस है, दुख नहीं है, टेंशन नहीं, तकलीफ नहीं है, गरीबी नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर से अलग हो गए हैं, गरीबी में, दुर्बलताओं में, समस्या में, निराशा में, शैतान की बात मान रहे वो। हाँ, पढ़िए यूहन्ना 15 उसका 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो। देखो, आप जो चाहे मांगो, कोई सी भी चीज मांग लो। आप बेबी मांग लो, आप बंगला मांग लो, आप गाड़ी मांग लो, आप एक अच्छी पत्नी मांग लो। परमेश्वर तुम मुझे एक अच्छी पत्नी दे, अच्छा पति दे, अच्छी मदर इन लॉ दे, मैं खुश रहूं हमेशा। परमेश्वर बने रहोगे तो तुम जो चाहो मांगो वो परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन कब पूरा करेगा? हम परमेश्वर में बने नहीं रहते ना, इसलिए हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी नहीं होती है ना। हमने एक दिन मिस कर दिया, 2 हफ्ते में 3-4 बार लाइव अराउंड में से हम 1 बार आ रहे हैं, तो हम परमेश्वर में बने हुए नहीं है। जब हम 4 दिन हफ्ते में 4 बार लाइव हो रहा है तो हम उसमें 1 बार आ रहे हैं, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आप घर में बैठ के भी आप वचन पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वचन हमें आज़ाद करता है, वचन हमें आज़ादी करता है, वचन हमें स्थिर करता है, वचन ही हमें संभालता है। कौन संभालता है? जब हम दुखी होंगे हम क्या बोलेंगे? जब हम गिर जाएंगे हमको लग जाएगी मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो गई। क्यों नहीं, वचन क्यों काम नहीं करता है? आप बने भी नहीं है। फिर हम डालेंगे आपने प्रार्थना करी फिर कुछ नहीं हुआ। हम पूछते हैं आप लाइफ कब से देख रहे थे, आप चर्च कब से आ रहे थे? अगर आप बने नहीं रहोगे फ्रूट नहीं आएंगे। आप बने रहेंगे तो ही फ्रूट आएंगे, आप बने रहेंगे तो ही परमेश्वर काम आप आगे कर सकते हो। क्या लिखा है यूहन्ना 15:7 में, पढ़िए, पूरा पढ़ दीजिए। यदि तुम मुझ में बने रहो हाँ और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप जो चाहो, आप परमेश्वर से जो चाहे मांगो। अगर आप परमेश्वर के बने रहो, आपकी सही रिक्वेस्ट प्रेयर रिक्वेस्ट होगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरी सास को मुझसे अलग कर दे, मेरी पत्नी को मुझसे अलग कर दे, मेरा पति मर जाए, अंगूठा टूट जाए, नस टूट जाए, ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर नहीं पसंद करता। लेकिन ऐसा बोल सकता है, तू मेरे पति के नेचर को चेंज कर दे, तू मेरी पत्नी के नेचर को चेंज कर दे, तू मुझे बेबी ब्लेसिंग दे दे, तू मेरे यूट्रस कैंसर को दूर कर दे, तू मेरी बीमारी को दूर कर दे, तू मेरी हड्डी के दर्द को, तू मेरे पैरालाइज को, सिस्क दूर कर दे, तू मेरी अनवांटेड ब्लीडिंग को स्टॉप कर दे, तू मेरी सांसारिक अभिलाषाओं को दूर कर दे, घमंडी वाली स्पिरिट को दूर कर दे। आप ऐसा बोलोगे, जो चाहे मांगोगे, आप जो चाहे मांगोगे। लेकिन कब? परमेश्वर में बने रहोगे तो ही हो पाएगा।
और परमेश्वर में बने रहोगे तो ही आप सुसमाचार सुना पाएंगे, तो ही परमेश्वर के राज्य के काम को बढ़ पाएंगे, तो ही परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अगर आप परमेश्वर में बने नहीं रहेंगे, अगर तुम परमेश्वर में बने नहीं रहोगे, तो परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। कोई सा भी काम हो, आप जा रहे हो, आप 6 महीने में एक बार जब आपको गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत लगी तो अपनी प्रार्थना करें, परमेश्वर काम नहीं करेगा। हालेलुया, आज हमें परमेश्वर में बने रहना है। तब हम क्या करेंगे, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो। हमें किसकी बने रहना है, उसके लिए खोज करने के लिए लोगों को बताना है। आप क्या बताओगे, ऐसा तो नहीं बोलोगे मैंने आज लाइव नहीं देखा, आज मैंने प्रार्थना नहीं करी। आप ऐसा बोलोगे मैं हर दिन वचन, हर दिन प्रार्थना करता, और फिर जिन लोगों को सिखाएंगे वो आपकी बात मानेंगे, और वो लोग अगर आप बने रहेंगे तो वो लोग भी बने रहेंगे, वो लोग भी आपकी बात मानेंगे, वो लोग भी आपसे प्रार्थना कराएंगे। हालेलुया, परमेश्वर से मन लगाना। आज कितने सो रहे का मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं हो रहा था प्रार्थना करने के लिए, मेरा मन नहीं हो रहा था लाइव देखने के लिए। सबसे अधिक आज हमें किसकी क्या करना है, मन की रक्षा करना है। जीवन का स्रोत वही है, काय की रक्षा करना, मन। ये मन ही जो सबसे ज़्यादा धोखा देता है। मन नहीं हो रहा था भैया प्रार्थना करने का, मन नहीं हो रहा था वचन पढ़ने का, मन नहीं हो रहा था लाइव में आने का, मन नहीं हो रहा था फ़ोन उठाने का, मन हो रहा था बाहर जाने का, मन नहीं होता विश्वासियों का फ़ोन उठाने का, आत्मिक लोगों का, कि वो फ़ोन लगा के आपको समझाए, उनका मन नहीं होता, उनसे मन नहीं होता, बाकी लोगों का फ़ोन उठाने का मन होता। अच्छा एक बात बताइए मुझे, जब एक व्यक्ति ड्रिंक की दुकान में जाता है तो वो व्यक्ति, शैतान उसको नहीं रोकता है ड्रिंक मत पी, जब वो एक व्यक्ति व्यभिचार करने जाता है शैतान उसको नहीं रोकता है, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का काम होने वाला लगता है शैतान रोकता है, पर आपको पता नहीं चलता है कि रुकावट शैतान की ओर से है। झगड़े करने वाला व्यक्ति को शैतान नहीं रोकेगा, उसको मज़ा आता है, वो तो हंसता है, वाह वाह मैंने बजवा दी डीजे इनके घर में, हालेलुया। तो सोचिए आपको कि हमें मन को अपने वश में रखना है। पढ़िए नीति वचन 4:4, नीति वचन 4:4, और तेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। कहाँ लगा रहे हैं आज हमारा मन? आज हमारा मन परमेश्वर के वचन पे लगा रहे, हालेलुया। कहाँ लगना चाहिए? आज हमारा मन परमेश्वर के वचन पर। लेकिन आज हमारा मन कहाँ लगा है? जब हमारा मन परमेश्वर के वचन पे लगा रहेगा ना, तो आज हमारे अंदर भूख उत्पन्न होगी, प्यास उत्पन्न होगी, हम परमेश्वर के राज्य की, आज हम परमेश्वर के धर्म की क्या करेंगे, खोज करेंगे। हमें खोज करना है परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर के धर्म की। हालेलुया, तेरा मन, आज हमारा मन कहाँ लगना चाहिए? परमेश्वर के वचन पे। हाँ पढ़िए वापस से, मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था तेरा मन मेरे वचन पे लगा। आज हमारा मन का लगाना चाहिए परमेश्वर के वचन पे। आज आप बोलिए मेरा मन परमेश्वर के वचन पे लगा रहे। यदि हम बने रहेंगे तो हमारा मन परमेश्वर के वचन में लगा रहेगा, यदि हम बने नहीं रहेंगे तो हमारा मन संसार में लगा रहेगा, यदि हम बने रहेंगे परमेश्वर के वचन में तो हमारा मन परमेश्वर के वचन में लगा रहेगा। हाँ तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, आज हम परमेश्वर की वचन की आज्ञा का पालन करेंगे तब जीवित रहेंगे। आपको कोई मेडिकल की क्या बोलते हैं, मेडिकल की दवाई आपको नहीं जीवित रखेगी, एंटीबायोटिक आपको जीवित नहीं रखेगी, बड़े बड़े हाई डोज आपको जीवित नहीं रखे, लेकिन अगर आपको जीवित रखेगा तो परमेश्वर का वचन है। आज आपको आत्मा को मजबूत करना है, लेकिन आज सबसे पहले आत्माओं को कमजोर करें, शरीर को इतना ज्यादा तैयार कर रहे, रेडी कर रहे, लेकिन जैसे आत्मा को तो उनने सुला दिया है, आत्मा को ने रेस्ट कराया है, आज हमें सबसे पहले आत्मा को तैयार करना है, आत्मा को रेडी करना, आत्मा स्वर्ग जाएगी ना कि शरीर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करना है? आज हमें अपना मन परमेश्वर के वचन पे लगाना है, आज हमारा मन परमेश्वर की संगति में लगाना है, आज हमारा मन परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर के प्रकाशन में, परमेश्वर की आज्ञाओं पे लगाना है। आगे बुद्धि को प्राप्त कर, नहीं वही, मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरा वचन पे लगा रहे, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, हाँ तो मेरी आज्ञाओं का पालन। अगर हम परमेश्वर के, हमारा मन परमेश्वर के वचन पे लगा रहे, तो हमें परमेश्वर के वचन में जो भी लिखा उसकी आज्ञा मानना है, जो परमेश्वर ने बोला है। हाँ तब जीवित रहेगा, तब जीवित रहेगा।
मन परमेश्वर के वचन पे लगा रहे, उसकी आज्ञा को मानेंगे तब हम जीवित रहेंगे। क्यों लोगों की 50 में डेथ हो जाती है, क्यों लोगों की 60 में डेथ हो जाती है, क्यों लोगों की 70 में डेथ हो जाती है? पुराने समय में लोग 150 साल, 120 साल, 115 साल क्यों जीवित रहते थे? क्योंकि उनका मन परमेश्वर के वचन में लगा रहता था। वो हर दिन रात, उनके पास टीवी नहीं थी, उनके पास फोन नहीं था, वो सेल्फी नहीं लेते थे, लेकिन उनका मन कहाँ लगा था? परमेश्वर के वचन में लगा था। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा मन जब परमेश्वर के वचन में लगा रहेगा ना, तो हम उसकी बाट जोते रहेंगे, हम खोजेंगे। और पढ़ना है परमेश्वर की, और बाइबल पढ़ना है, जितना समय मिले हम वो करना है, हमें लोगों को बांटना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है। यहाँ पे मत्ती 6:33 में क्या लिखा है पढ़िए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। इसलिए पहले आज हमको क्या करना है? परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। मैंने आपको राज्य के बारे में बताया, अब मैं आपको धर्म के बारे में बता रही हूँ। पहला मैंने आपको बताया धार्मिकता, सेकंड मैंने आपको बताया आज्ञा, थर्ड मैंने आपको बताया परमेश्वर की सुनना, फोर्थ मैंने आपको बताया परमेश्वर में बने रहना, फिफ्थ मैंने आपको बताया परमेश्वर में मन लगाना, नीति वचन 4:4। यहाँ पे फिलिपी 4:19 निकालना। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धर्म के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को कौन पूरी करेगा? हर एक घटी आपके आपकी लाइफ में, कोई सी भी घटी है वो परमेश्वर पूरी करेगा। कौन पूरी करेगा? मसीह यीशु में है। पहले ये पढ़ना आप नीचे वाला, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कोई सी वस्तु क्यों नहीं हो, अगर हम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करेंगे तो बाकी सारी वस्तु हमको मिल जाएगी। क्या चीज है जो हमें नहीं मिलेगी? हमें सब कुछ मिल जाएगी। अगर हम मसीह यीशु में हैं तो हमें हर एक वस्तु, जिस जमीन पे आप पैर रखोगे, जिस जगह पैर रखोगे, जो चीज आपको चाहिए वो हर एक मिल जाएगी। यहाँ पे फिलिपी 4:19 क्या लिखा है? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। कौन पूरी करेगा? जो लोग मसीह यीशु में है, जो लोग परमेश्वर में है। आज आप लोगों की कोई सी भी घटी क्यों नहीं है, लेकिन आज आपकी घटी को कौन पूरी करेगा? परमेश्वर पूरी करेगा, यीशु मसीह पूरी करेगा, राजा पूरी करेगा। हालेलुया। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीजें। आज आपके पास कपड़े नहीं, कपड़े मिल जाएंगे। आपके पास भोजन नहीं, भोजन मिल जाएगा। खाने को नहीं, खाने को मिल जाएगा। बिजली का बिल नहीं भर पा रहे, बिजली का बिल कोई भर देगा। पानी का बिल नहीं भर पा रहे, पानी का बिल भर जाएगा। हाउस का रेंट कोई भर जाएगा, हाउस कोई गिफ्ट में दे देगा। हालेलुया। बच्चों की शादी नहीं हो रही, शादी भी हो जाएगी, लेकिन कब? पहले अगर आप परमेश्वर के राज्य की। क्यों बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स नहीं आती? क्यों बड़ी बड़ी आशीष नहीं आती? क्यों बड़ी बड़ी आशीष तो आती है, शैतान रोक लेता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेंगे ना, तो कोई हमारी आशीष को नहीं रोक सकता, कोई हमारी ब्लेसिंग को नहीं रोक सकता। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें। पहले परमेश्वर बोल रहा है, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उस पहले धर्म की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। परमेश्वर ने हमारे बहुत अच्छी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को रखा है। परमेश्वर ने आप जो चाह रहे हो आपको जो मिल जाएगा। आप चाहते हो मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता, मिल जाएगा। आप चाहते हो मेरे बेटे के लिए अच्छा रिश्ता, मिल जाएगा। आप चाहते हो मेरे बच्चों को अच्छा परिवार, मिल जाएगा। आप चाहते हो मेरा बच्चा अच्छा पढ़ जाएगा, उसके कॉलेज का हर एक खर्चा परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन कब? जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, तब पूरा होगा। आज आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको राशन लिस्ट लेके नहीं जाना है परमेश्वर के पास। तू मुझे ये दे दे, तू मुझे वो, तू मुझे फ्रिज दे, गीजर दे, आरो दे, ये सब लिस्ट लेके मत जाइएगा। आपको क्या लिस्ट लेके जाना है? मैं प्रार्थना में कैसे बढ़ूँ, मैं वचन में कैसे बढ़ूँ, मेरे अंदर भूख कैसे उत्पन्न हो। परमेश्वर तू मुझे ऐसा मन दे, मसीह मेरे अंदर मसीह का मन दे।
परमेश्वर तेरे संबंध है, मेरे अंदर भूख उत्पन्न हो। यदि आपको भूख नहीं लगती वचन पढ़ने की, प्रार्थना की भूख नहीं होती, संगति की भूख नहीं होती, तो आप बोलिए परमेश्वर तू मुझे भूख दे और तेरा मन तेरे जैसा मन दे, भूख उत्पन्न होगी। आप लोगों को सिखाएंगे, आप परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेंगे, बाकी सारी वस्तु आपको मिल जाएगी। परमेश्वर ने ये स्वर्ग किसके लिए बनाया? हमारे लिए। ये संसार में जो भी सारी वस्तु किसके लिए बनाई? हमारे लिए बनाई है। हमें मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी? जब हम मेहनत करेंगे, जब हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे, जब उनके सुसमाचार को फैलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर में कोई सा भी किया गया परीक्षा वैट नहीं जाता। हालेलुया। आज आपको क्या करना है? परमेश्वर में किया गया परीक्षा वैट नहीं जाता। आखिरी बार पढ़ दीजिए पूरा। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, बाकी सारी वस्तु। आज आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, बोलना नहीं, आपको करना है। धर्म की खोज करना है, राज्य की खोज करना है। हर एक वस्तु, हर एक चीज़ें, लोन क्लियर नहीं हो रहा, लोन क्लियर हो जाएगा, बिजनेस खुल जाएगा, क्या ऐसी भी चीज़ की नहीं हो, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करेंगे तो बाकी सारी वस्तु, बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आपके पीछे आएगी। आप नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर के पीछे लगे हैं, ब्लेसिंग आपके पीछे आएगी। आप ब्लेसिंग के पीछे मत जाइए, आप ब्लेसिंग के पीछे जाएंगे नहीं, आप परमेश्वर के आगे आगे जाइए, ब्लेसिंग आपके पीछे पीछे आएगी। आपके घरों में रखने की जगह नहीं होगी, इतनी ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देगा। आमेन, आमेन। इतनी चीज़ें परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जिसकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो डाल सकता है इसी वचन के साथ। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। विश्वास करती हूँ आज का वचन आपके जीवन में 1000 गुना फल लाए। हालेलुया। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं करा है, आप जाइए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने ग्रुप में जाकर शेयर करें, ताकि लोग जाने आज हमें पहले क्या परमेश्वर ने काम करना है। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे, तब हमें सब वस्तु मिलेगी। हालेलुया।